ओके, सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीपल एंड एनवायरनमेंट के ऊपर। सो आज हम लोग पीपल एंड एनवायरनमेंट के जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कवर अप करेंगे साथ में, ठीक है। सो गाइज, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑफकोर्स मैं अनअकैडमी में जो है प्लस कोर्सेज लेती हूँ। सो जो हमारे प्लस कोर्सेज हैं, लाइक अभी मेरे 3 ऑनगोइंग क्लास कोर्सेज चल रहे हैं, लाइक बैच कोर्स फॉर मैनेजमेंट, कंप्लीट कोर्स ऑन जनरल पेपर 1, देन कंप्लीट कोर्स ऑन मैनेजमेंट, ठीक है। सो इन क्लास कोर्स का जो है आप सब्सक्रिप्शन ले सकती हो, ये बेस्ट टाइम है गाइस। लाइक आप लोगों को भी पता है, लाइक अभी जो है आप लोग अराउंड लाइक 20 डेज के लिए जो है घर में पैक होने वाले हो, तो बेटर है ना कि इस टाइम को जो है सबसे बेस्ट वे में आप यूटिलाइज करो। क्यों ना आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप अनअकैडमी लाइक उसके लिए आपके एग्जाम्स के लिए जितना ज़्यादा मैटर हो सके आप उतना ज़्यादा जो है वो कवर अप कर सकते हो इसमें, राइट। तो जस्ट गो फॉर इट एंड जितना ज़्यादा मैटर हो सके। लाइक रोशनी, किरण ज्वाइंट अस, हेलो गर्ल्स। सो अभी ये 20 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है, क्योंकि ना आपको अब इन 20 डेज में कॉलेज जाना है ना आपको जॉब पे अपनी जाना है, तो बेटर है कि हम लोग अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस्ड हों। इन 20 डेज को भी हम लोग प्रोडक्टिव बना सकते हैं, राइट। बीइंग अ स्टूडेंट आप जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो उस टाइम में उतनी ज़्यादा आप नॉलेज गेन करो, ठीक है। सो यू कैन टेक प्लस सब्सक्रिप्शन। लाइक अभी मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो है 1 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ जा रहे हैं। आई थिंक ये लॉकडाउन का ही असर है कि जो लोग बिजी रहते हैं वैसे उनको ये लग रहा है कि क्यों ना हम 1 महीने के लिए ही पढ़ लेते हैं, राइट। तो अगर आप लोग भी लाइक सेम, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग लाइक UGC NET की अच्छे से प्रिपरेशन करो, अपने इस फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, देन यूज़ माय रेफरल कोड जब भी आप लोग प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है, विच इज सौम्या सिंह लाइव, ठीक है, नाम है मेरा पूरा। एंड आपको लाइव और ऐड करना है कैप्स लॉक में, सौम्या सिंह लाइव। ये रेफरल कोड यूज़ करोगे आप तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी टोटल बिल पे। सो जस्ट गो फॉर इट, ओके। सो पीपल एंड एनवायरनमेंट का पार्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद लाइक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोर्स। ओके, सुचि ऑल्सो ज्वाइंट अस। स्ट्रीम नहीं हो रहा है, वो तो रहा है बट आई थिंक जिनको लग रहा है कि स्ट्रीम नहीं हो रही है उनकी तरफ से कुछ ना कुछ नेटवर्क इशू होगा। ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। जब आप लोग लाइक सिलेबस का पार्ट अपना देखोगे तो उसमें डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसमें MDG गोल्स एंड SDGs होते हैं, लाइक मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स एंड हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हेलो विकी, ओके। सो इन गोल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन, जिसमें हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या होता है गाइस? ये हमारी मतलब मैन मेड एक्टिविटीज़, ठीक है। देन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, तो जो इम्पैक्ट हो रहा है ऑफकोर्स लाइक जैसे कि आप बात कर सकते हो आज की डेट में जो करंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, दैट इज कोरोना। ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह से जो लाइक बाकी लोग हैं, बाकी ह्यूमन लाइफ है, इसके लिए इतना डेंजरस क्यों हो रहा है? इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की चलते ही, ठीक है, मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से, जो चाइनीज़ ने किया उनकी वजह से आज ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो इनका ऑफकोर्स आप लोग जानते हो कि लाइक एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा डिप्लीट करा जा रहा है, इतना ज़्यादा उसका गलत यूज़ हो रहा है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत गलत पड़ेगा, पड़ भी रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे एंड हमारे ह्यूमन लाइफ एंड लाइक जितना भी हमारा लिविंग बींग है उस पर बहुत बुरा लाइक असर पड़ेगा। सो गाइज लाइक जो है अपनी कंट्री में अगर बाकी कंट्रीज़ की लिस्ट अगर आप देखो तो फिर भी कंपैरेटिवली हमारे यहाँ कोरोना को जो है बहुत कंट्रोल करा जा रहा है। यहाँ पे अभी आगरा में एक केस निकला है, पता है उस केस में क्या हुआ था? ये इररेस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक कई लोगों की तरफ से, जो सिटीजन्स है उनकी तरफ से। लाइक उस केस में एक डॉक्टर के बेटे को जो है कोरोना है, ठीक है, एंड वो डॉक्टर ने क्या सोचा कि हम इसको यहीं ट्रीट कर लेंगे अपने ही हॉस्पिटल में, एंड उन लोगों ने उसके बारे में बताया ही नहीं। लेकिन क्या हो रहा था, जब ये कोरोना का टाइम चल रहा था तो जितने भी लाइक लोग थे ना, जितने भी ट्रैवल करके बाहर से आए थे, उन सबका नंबर नोट डाउन कर लिया था, उन सबकी डिटेल्स नोट डाउन कर ली थी वहाँ पे एंटर करते टाइम इंडिया में। तो उससे क्या हुआ, वो लोग ऐसे ही चेक करने आए एंड वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया एंड लाइक उसको, उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को उठा के ले गए एंड साथ ही साथ हॉस्पिटल का जो 25 to 40 स्टाफ थे उन सबको क्वारंटाइन में कर दिया। तुमने देखा कि एक की गलती की वजह से क्या हुआ, लाइक उन स्टाफ्स को भी ज़बरदस्ती क्वारंटाइन में जाना पड़ा, मतलब उनको अब एकदम आइसोलेट रखा जाएगा, एक एक रूम में एक एक आदमी को। तो आज के टाइम में ऑफकोर्स सब लोग कोशिश कर रहे हैं, जब इतना कोई घर के बाहर नहीं निकल रहा है तो हर किसी को लाइक एकदम सीरियस होकर इस मैटर को लेना चाहिए, लेकिन स्टिल लोग बहुत लेनेंटली ले रहे हैं। इवन लोग घर के बाहर भी ऐसे निकल रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी वीडियोस हैं, पुलिस के डंडे चलने लगे, तो आया कि ये जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा बहुत जल्द। चलो लेट्स स्टार्ट विथ मिलेनियल डेवलपमेंट गोल। आज मेरे पास लिख के नहीं आ रहा है कि कितने लोग ऑनलाइन हैं, आई थिंक कुछ इशू है। कई जस्ट अ सेकेंड। हाँ मैं एक बार फिर से ऑन करती हूँ। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स में अगर आप देखोगे, इसमें टोटल 8 गोल्स आपको मिलेंगे, 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 तक आपको अचीव करने थे, ठीक है। ये 8 गोल्स एंड ये जो MDGs है ये मिलेनियल समिट में जो है बनी थी यूनाइटेड नेशंस में 2000 में। तो ध्यान रखना है मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये आपको, मतलब जो फ्रेम हुए थे, जो जो भी कंट्रीज थी इसमें इन्वॉल्व थी प्रॉपर समिट में जो UN में हुई थी ऑफ द UN। सो इसमें 2000 से 2015 तक के जो है आपको गोल अचीव करने थे तब तक, एंड 15 ईयर्स का जो है ये था लाइक आपका वो 15 ईयर्स का इसमें टाइम पीरियड दिया गया था, जहाँ पे मिलेनियल यूनाइटेड नेशंस मिलेनियल डिक्लेरेशन जो है वो सबको फॉलो करना था। एंड जब MDG का टाइम ओवर हुआ ना, तब हमारे SDG आए, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो अगले 15 साल के लिए चले 2016 से एंड 2030 तक। अभी करेंटली ये चल रहे, ठीक है, इनको अचीव करना है 2030 तक। ओके हमारे साथ वाले घर में भी कोई बाहर से आया था, वो भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ओके तो उनके पास श्वेता क्या वो लोग आते हैं क्या बार बार? लाइक कई लोग होते चेकिंग के लिए नहीं जाते, अगर टेस्ट के लिए, तो वहाँ से लाइक बार बार फ़ोन आता है कि आप आइए और टेस्ट कराइए, लेकिन लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। या तो लोग इसको लाइक खांसी जुकाम समझ लेते हैं, या फिर लोगों को ये एक चीज़ और लगती है कि अगर हम इस चीज़ में फंस गए तो इसमें बहुत झंझट है, उसके चक्कर में लोग और नहीं करते। हेलो शिल्पी। ओके नाउ यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट जो है वो हमारी 199 है, एंड ये जो 8 गोल्स है ना, इनको अचीव करने के लिए 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनाई गई थी, ठीक है, ताकि ये गोल्स जो है वो अच्छे से अचीव हो जाए बाय 2015। ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है लेकिन। ओके ओके कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द वेबसाइट फ्रॉम वेयर वी कैन स्टडी करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल एंड एनवायरमेंट, प्लीज हेल्प। मैंने एक बार देखा था, मैं भूल गई लेकिन अभी साइट का नाम। मैंने खुद एक साइट देखी थी जिसमें करंट अफेयर्स है, ठीक। आप ऐसे टाइप करो ना गूगल में करंट अफेयर्स रिलेटेड टू UGC NET, उसमें मिल जाएगा आपको। ओके आ रहे हैं बट दे आर फाइटिंग, तो फिर पुलिस लेके आए और घर से उठा के सबको ले जाए, वो ज्यादा अच्छा है। मैं आप एक बार गूगल में सर्च करके देखना, ठीक है, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू ये UGC NET टाइप करना, पीपल एंड एनवायरमेंट टाइप मत करना, ठीक है, रिलेटेड टू UGC NEट, आपके पास खुद ब खुद साइट आ जाएगी। क्योंकि मैंने जब ढूंढा था इसके बारे में तो मुझे बहुत ही ईजिली मिल गया था। चलो देखते हैं अब ये हमारे 8 गोल्स क्या हैं जो MDG में आपको लाइक कंप्लीट करने हैं, जिसमें UN मेंबर्स इन्वॉल्व हैं जो कि 191 है, एंड ये गोल्स को अचीव करने के लिए 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाए गए थे, ठीक है। अब ये गोल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जनरली आप अगर PYQ में अपने देखोगे ना तो उसमें यही इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑड वन आउट कौन सा इनमें से मिलेनियल डेवलपमेंट गोल नहीं है, या फिर कौन सा है लाइक, या फिर कौन सा गोल SDG का है। तो आपको ये लर्न करना है, ध्यान रखना है कि MDG और SDG में कौन कौन से गोल्स हैं। चलो MDG के गोल्स देखते हैं, 8 गोल्स हमारे। टू एराडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर, ठीक है, किसी भी तरह की भुखमरी जो है वो हमें हटानी है। देन यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, तो हर किसी को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अचीव कराना, देन जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, इवन जब ये हमारे एमडीजी में इंक्लूड हुआ था ना वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तभी इस पे मेन फोकस करा गया है, तब से जो है एक इक्वालिटी स्टेटस दोनों मैन और वुमेन के बीच में बना है। देन चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को रिड्यूस करना, पहले के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चे हमारे फादर मदर की कोई ना कोई, जनरली आपने सुना होगा या फिर आपकी कोई आंट अंकल की कोई ना कोई ब्रदर सिस्टर जो है वो एक्सपायर कर जाते थे, क्यों? क्योंकि पहले मेडिकल फैसिलिटीज जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट जो था पहले के टाइम पे बहुत हाई होता था, अब बहुत लो है। देन मेटर्नल हेल्थ पे फोकस करना मदर एंड न्यू बॉर्न बेबीज के लिए। देन HIV, एड्स, मलेरिया एंड इन डिजीजेस को एकदम खत्म करना। देन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना एंड ग्लोबल पार्टनरशिप पे फोकस करना फॉर डेवलपमेंट, कि भाई लोग जो है, कंट्रीज जो है वो एक दूसरे की मदद करें डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो आई होप कि ये 8 गोल सबको क्लियर है, राइट? हेलो महबूब, ये आपको उसी में मिल जाएगा इजिली, ठीक है। करंट अफेयर्स जो आपके हाई एजुकेशन के, आप एक बार करंट अफेयर्स टाइप करोगे ना, आपको पीपल एंड एनवायरनमेंट, हाई एजुकेशन दोनों से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। हेलो शेख मोहम्मद, ओके। नाउ हर एक गोल का हर एक गोल को अचीव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स बनाए थे, तो ये 8 गोल्स को अचीव करने के लिए टोटल 21 टारगेट्स बनाए गए, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, फिर 8 गोल्स को अचीव करने के लिए 21 टारगेट्स बनाए गए, ओके। नाउ ये वो गोल्स हैं, हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार ताकि आपको यहीं के यहीं जो है लर्न हो जाए। दैट इज इराडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। देन अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, then promote gender equality and empower women, reduce child mortality, then improve maternal health, okay, then combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability and global partnership for development, okay। dekhte hain aage. Now the Brahmini report provided the basis of the goals in the area of peace and security, ठीक है। ब्राह्मणी रिपोर्ट ने प्रॉपर गोल्स जो हैं वो बताए हैं पीस एंड सिक्योरिटी की फील्ड से रिलेटेड। देन यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान ने जो है ये रिपोर्ट को एक रिपोर्ट को जो है साइन किया था इन्होंने, जिस रिपोर्ट का नाम था वी द पीपल, द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द 21st सेंचुरी। देन OECD ने भी अपना जो है एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स फॉर्मुलेट किए थे, ठीक है, ओके। तो काफी कुछ जो है MDG की फील्ड में हुआ था, बाकी आपको इसकी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स थे इनको क्रिटिसाइज किया गया, गाइस। इनको पता है क्रिटिसिज्म क्यों मिला, लोगों ने इनको पसंद क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बोला गया था कि भाई ऐसे कई सारे जो बेसिक गोल्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो इन गोल्स में लिखी ही नहीं थी। काफी कम चीजें जो है इस गोल में, MDGs के गोल में जो है मेंशन थी, ठीक है। तो कई सारे और एरियाज थे जिनको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, ये बोला गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। तो भाई MDG जो है वो हमारा 2000 से 2015 तक तो चला, लेकिन उसके बाद SDG आ गया, क्योंकि लोगों के हिसाब से भाई इनमें सारे गोल्स जो है वो हमारे कवर्ड ही नहीं थे। देन SDG गोल्स फॉर्मुलेट करे गए जो 2016 से 2030 तक चले, ठीक है। गुड आफ्टरनून अलका। नाउ SDG में क्या था, उसमें कितने गोल्स थे? 8। इसमें हमारे 9 गोल्स और ऐड कर दिए गए जो कि 17 ग्लोबल गोल्स थे हमारे। वो क्या था, ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है। तो ये आपका ब्लूप्रिंट था ताकि हम एक बेटर फ्यूचर को जो है अचीव कर सके, ओके। नाउ SDG set in 2015 by the United Nations General Assembly and intended to be achieved by the year 2030। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अ पार्ट ऑफ UN Resolution 71 2020 एजेंडा। या अली आप लेट हो, लेकिन उतना भी लेट नहीं हो, ओके। देन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हम लोग ने बात करी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल्स होते हैं। उसमें क्या है, एक तो नो पॉवर्टी, देन जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy. ठीक है, clean water and sanitation पता है ना, like sanitation is like जैसे कि आपका शौचालय का चल रहा है, clean water provide करना of course, drinkable water मतलब, then clean energy मतलब एक तो सस्ती affordable हो, clean energy मतलब कि जो हमारे environment को किसी तरह से harm ना पहुंचाए, ठीक है, then decent work and economic growth पे focus करना है, industry, innovation, infrastructure पे, inequality reduce करने पे, then sustainable cities and communities, then responsible consumption and production, climate action, life below water पे ध्यान देना है, life on land पे ध्यान देना है, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals. Okay? No Ali, हम लोग ऐसे आपको पेपर वन का फुल मटेरियल नहीं दे सकते, ठीक है, ये नहीं अलाउड होता है. अगर आपको लाइक फुल मटेरियल अगर आपको पढ़ना है गाइस, देन यू हैव टू गो फॉर क्लास सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एंड अभी एक महीना है तो इसको अच्छे से आप लोग यूटिलाइज करो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेके. लाइक जब भी आप लोग लो देन यूज माई रेफरल कोड, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपका जो बिल है ना वो और कम हो जाएगा, ठीक है. सौम्या सिंह लाइफ, माई फुल नेम एंड देन लाइफ, कैप्स लॉक में आप इसको यूज कर सकते हो. अच्छा गाइस, मैं एक चीज और बोलूंगी, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है एंड टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसको आप जाके देख सकते हो. एंड टेलीग्राम में मैं लाइक लिंक शेयर करती रहती हूँ एंड यूट्यूब में ऑफ कोर्स नई वीडियोस डालती रहती हूँ मैं पेपर वन से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको लाइक मैटर मिल सकता है, ठीक है. एंड यूट्यूब चैनल जो है वो सिस्टर्स एकेडमी के नाम से एंड टेलीग्राम चैनल भी सेम नेम से. ओके, एनी कन्फ्यूजन? ओके, सो प्लीज़ इसको आप ज़रूर जाके देखना एंड आप अगर लाइक सब्सक्रिप्शन लो देन 10% ऑफ के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है. नाउ एक बार हम लोग फिर से देख लें लाइक इन 17 गोल्स के बारे में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दैट इज नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, then required inequalities, then sustainable cities and communities, then responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals. Okay, I hope ये 17 goals भी आप लोगों को अच्छे से clear हो गए, right? Now ये गोल्स काफ़ी ब्रॉड है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे 17 गोल्स हैं एंड इंडिपेंडेंट है एंड इन 17 गोल्स को भी लाइक कंप्लीट करने के लिए कुछ टारगेट्स बनाए गए थे, ठीक है. नाउ बैकग्राउंड देख ले हम लोग, लाइक ये तो हमारे एसडीजी और एमडीजी की बात हुई, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई होंगी. हमारा हिस्ट्री से अगर हम लोग उठाएं तो लाइक 1972 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट जो है अलग अलग कंट्री की, ये स्टॉकहोम स्वीडन में मिली थी, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था, ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या हो, किसी भी फैमिली का हेल्थ, किसी भी फैमिली को राइट ऑफ द फैमिली टू अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, इसकी तरफ फोकस किया था, ताकि हम हर एक इंडिविजुअल को एक हेल्दी एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट जो है वो दे सकें, ठीक है. ओके अली क्या बोल रहे हैं, मैंने बीएड परस्यूइंग जुलाई एग्जाम नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ. ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करना है मैम, प्लीज गाइड. ओके अली, आपका पेपर 2 क्या है ये बताना जरा. ओके, तो ये 1972 था. देन 1983 क्या है हमारा, इसमें आपका वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है वो क्रिएट हुआ है, जिसमें आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी है. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के जो लोग हैं उनकी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है. मतलब हम आपकी तो नीड फुलफिल कर रहे हैं जो प्रेजेंट जनरेशन है, लेकिन जो आने वाले लोग हैं हमें उनके लिए भी रिसोर्सेज बचा के रखने हैं, ये नहीं कि पूरा हम ही ने यूज कर लिया, ये इस पर फोकस कर रहा है, ठीक है. क्लियर? ऑफ कोर्स आप, ये आपके ऊपर है, आप बीएड और इसकी प्रिपरेशन साथ में करो, इट डिपेंड्स ऑन योर लाइक आपके बोले तो मतलब आप कितनी मेहनत कर सकते हो ये इस पर डिपेंड करता है ना, आप बीएड और नेट एक साथ निकाल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, देन क्या है, जून 1992 में क्या हुआ था, आपकी अर्थ समिट हुई थी रियो डी जनेरियो में, ब्राजील में, जहाँ पे 178 कंट्रीज ने पार्ट किया था एंड इन्होंने एजेंडा 21 जो है वो अडॉप्ट किया। ठीक है, अब इसका क्या था, एक इस एजेंडा का मोटो क्या था, एक ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलप करना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि आप ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव कर सको एंड आप एट द सेम टाइम एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, ओके, देन उनमें मुझे ऐसा कोई साइट तो नहीं पता है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की लाइक स्कीम्स के बारे में पता चले। Then member states anonymously adopted like millennial declaration and millennium summit, then आपका MDG आ गया and then SDG आ गया। ठीक है, okay, okay, then यहाँ से देखो आप यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो 20, ये भी रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ था जून 2012 में। ठीक है, नाउ इन्होंने एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया था द फ्यूचर वी वांट। ओके, ताकि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहा था, लाइक एसडीजी के जो गोल्स थे ना उनको डेवलप करने का काम हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अली आपका सब्जेक्ट पेपर 2 के बारे में तो खैर मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन आप पेपर 1 में लाइक जितना अच्छा कमांड बनाओगे ना आप उतना अच्छे से जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हो, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती है, चाहे किसी के लिए भी हो। ओके, देन 2013 में क्या हुआ था, 30 मेंबर ओपन वर्किंग ग्रुप जो है वो फॉर्मुलेट हुआ था ताकि एसडीजी का जो प्रपोजल है वो डेवलप किया जाए। देन 2015 में क्या हुआ था, एक नेगोशिएशन प्रोसेस जो है वो बना था लाइक पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा, जिसमें क्या था, जिसमें जो है प्रोसेस जो है वो डिसाइड करा गया था 2030 एजेंडा का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, कि ठीक है कि इसका प्रोसेस जो है वो कैसे कंडक्ट होगा। देन 2015 में क्या हुआ था, लाइक कुछ मेजर एग्रीमेंट्स हुए थे लाइक सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एडिस अबाबा, देन ट्रांसफॉर्मिंग अ वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, Now the annual level, high-level political forum on sustainable development serves as the central UN platform. Okay. Now Ban Ki-moon, जो कि United Nation General Secretary थी 2007 से 16 तक, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बोला नवंबर 2016 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, we don't have a plan B because there is no planet B. This thought has guided the development of SDG. इन्होंने क्या बोला कि भाई हमारे पास कोई भी प्लान बी नहीं है, जो हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसको आपको अकम्प्लिश करना ही करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई और प्लानट भी नहीं है। ठीक है, तो हमें यही हमारा प्लानट है, हमें इसी को सुधारना है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको फोकस करना ही है। ओके, अली आप प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लो अगर आपको पेपर 1 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, मैंने अभी बताया था अली, टेलीग्राम के लिए आप सिस्टर्स एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नाउ एसडीजी ने एसडीजी डेवलप किया था ऑफ कोर्स, जिसके जिसने जो है लाइक एमडीजी को सक्सीड किया था। ठीक है, नाउ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है उसका फाइनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हुआ था 2015 में न्यूयॉर्क में। देन 25 सितंबर 2015 में 193 कंट्रीज ने जो है इसका पार्ट बने थे लाइक ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गाइज इसका टाइटल ध्यान रखो, ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन इसमें क्या था, 17 गोल्स को अचीव करने के लिए 169 टारगेट्स थे। ठीक है, वहाँ पे क्या था, एमडीजी में 8 गोल्स को अचीव करने के लिए आपके 21 टारगेट्स थे, यहाँ पे 17 गोल्स को अचीव करने के लिए आपके 169 टारगेट है, एंड हर एक टारगेट की प्रोग्रेस जो है उसको चेक करने के आपके पास इंडिकेटर थे 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये इंडिकेटर था जिसकी हेल्प से जो है आप कर सकते हो। ओके, ये तो हो गए हमारे एसडीजी और एमडीजी। अब बात करेंगे हम लोग ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, लाइक हे भगवान अली, आप ना मुझे, आपको अनअकैडमी सर्च करो, आप अनअकैडमी में जाके प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लो जिसका आप यूट्यूब चैनल अभी देख रहे हैं। ठीक है, नाउ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स जो ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज होता है, जो इनका जो इफेक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो लाइक हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बढ़ रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो इसकी वजह से जो हमारा अर्थ है ना, इसके ऊपर जो लोड है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की, सॉइल इरोजन की, डिफॉरेस्टेशन की, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन, सो इनका बहुत ही एक बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे लाइक एनवायरनमेंट के ऊपर, एक बहुत ही टॉक्सिक बोलेंगे इफेक्ट पड़ता है। सो हम लोग इसका क्या इफेक्ट है, हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। लाइक जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, लाइक हमारी टेक्नोलॉजी जो है जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, हमारा डिपेंडेंसी इन टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो जिसकी वजह से, लेकिन एट द सेम टाइम इन लाइक टेक्नोलॉजी से जो है काफ़ी ज़्यादा अनवांटेड मटेरियल जो है वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से लाइक पॉल्यूटेंट जो है वो अकर होता है, राइट, जो कि हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। लाइक प्लास्टिक की बात कर ले अगर हम लोग, अगर प्लास्टिक जो है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, अगर आप प्लास्टिक को मान लो ज़मीन के नीचे गाड़ भी देते हो एंड आप ज़मीन दोबारा खोदो, प्लास्टिक आपको एज इट इज़ मिलेगी, उसका टस से मस कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लाइक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऐसी कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से हमारे ये अर्थ क्रस्ट पे इतना लोड बढ़ रहा है। सबसे पहला क्या है हमारा, ओवर पॉपुलेशन। भाई ये जो हद से ज़्यादा, इतना ज़्यादा लाइक पॉपुलेशन है, जिसमें सबसे ऊपर लाइक चाइना है एंड देन उसके बाद इंडिया है, तो भाई अर्थ क्रस्ट की भी तो कोई ना कोई कैरिंग कैपेसिटी होगी, है ना, राइट। सो उसके ऊपर भी तो लाइक बोझ एकदम भर रहा है, लाइक जैसे कि हम लोग एक दूसरे से नहीं बोलते जब गुस्सा होते हैं, धरती का बोझ, तो क्या है कहीं ना कहीं ये बोझ तो अर्थ पे भरता जा रहा है, राइट। तो ये एक ओवर पॉपुलेशन है। भाई जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा आप जो है हमारे रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, उतना ही ज़्यादा आप रिसोर्सेज का लाइक यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको हर एक फैसिलिटी चाहिए, चाहे वो हमारा फार्मिंग से रिलेटेड हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, राइट, एंड उतना ही ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट पे इसकी वजह से स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि ऑफकोर्स कंजम्पशन तो हर किसी को करना है, राइट, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास सिर्फ लिमिटेड हैं, है ना। सो ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से अब लोगों को घर भी चाहिए, जिनकी वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, इको सिस्टम को डैमेज हो रहा है, CO2 लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है ट्री कटिंग की वजह से। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज जो है वो जो है उनका लाइक फॉरेस्ट डिप्लीशन की वजह से उनका जो घर है वो उनसे कहीं ना कहीं छिन गया है। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से एनवायरनमेंट को कितना हार्म पहुंचता है ये आप समझते होंगे। देन क्या है, देन हमारा पॉल्यूशन है। अब ये क्यों हो रहा है, ये हमारा लाइक पॉल्यूशन आप आज की डेट में देखते हो, ऑफकोर्स हर जगह है। ठीक है, लाइक मिलियन ऑफ मेट्रिक टन्स ऑफ पॉपुलेशन है जो आपको अपनी एटमॉस्फेयर में ही मिल जाएगा, राइट। लाइक आपको क्लीन वाटर भी चाहिए, लेकिन आजकल की डेट में अगर आप पॉल्यूशन देखो तो वो आपको एयर में भी मिल रहा है, वाटर में भी मिल रहा है, सॉइल में भी मिल रहा है, हर जगह पॉल्यूशन है। एंड अगर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो ये पाया गया था कि US जो है वो सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, लाइक 147 मिलियन मेट्रिक टन्स हर ईयर, जो कि खुद में लाइक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था। एंड ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइक टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस कंट्री है। ठीक है, इसलिए एयर पॉल्यूशन वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अश्विनी, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड। ठीक है, ओके, सो जैसे कि आप लोगों को पता चला कि ठीक है भाई हमारा एयर पॉल्यूशन है, तो इस पर जो है हर एक कंट्री ने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो ये तो पॉल्यूशन हो गया। देन ग्लोबल वार्मिंग। अब ऑफकोर्स ये जो पॉल्यूशन आप कॉज कर रहे हो उसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, सो ये ग्रेटेस्ट कॉज है अगर हम लोग बात करें लाइक इसकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की साइड इफेक्ट्स, ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लाइक मेन कॉज क्या है, जैसे कि आप फॉरेस्ट हटा रहे हो, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ट्री कटिंग हो रही है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो रहा है, इसकी वजह से जो CO2 का लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अकर होती है। ठीक है, सो इस पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है, पहले ख़राब करा फिर ध्यान दिया। अब CO2 का एमिशन इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से जो है हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। लाइक आप लोग देखते हो ना आज की डेट में इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है, वो क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग ही उसकी वजह से तो है। देन क्लाइमेट चेंज, यही जो गर्मी की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग पास्ट टाइम की बात करें, लाइक अगर हम लोग यही बात करें हम लोग के पेरेंट्स के टाइम की, तो उस टाइम पे जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा लाइक इंटेंस लेवल पे नहीं होता था कि गर्मी जो है ऐसी हो रही है कि बर्दाश्त लायक ही ना हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि आज की डेट में इंडस्ट्री इतना ज़्यादा डेवलप हो गई है, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप हो गई है कि अर्थ का जो वेदर पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इसकी वजह से। ठीक है, एंड जिसकी वजह से जो सीजन्स हैं वो हमारे लंबे चल रहे हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा इस बार जो है होली तक ठंडक बनी रही थी, जो कि पहले कभी मतलब ज़्यादा बनी रही थी कंपैरेटिवली। तो जैसे कि आप देखते हो ठंड जो है वो लेट स्टार्ट होती है, गर्मी जो है वो बहुत टाइम तक रहती है। तो ये क्यों है, ये क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, ओके। देन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो आप देख रहे हो कि आप जो है एक अलग ब्रीड बनाई जाती है हर चीज़ की, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साइंटिफिकली जो है आप जब दो ब्रीड्स का कॉम्बिनेशन करते हो यानी एक अलग ब्रीड बनाते हो, चाहे वो एनिमल्स को लेके हो, ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्रॉप्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, राइट, है ना, लाइक दो ब्रीड को जो है मिक्सअप करके कोई नई चीज़ बनानी, तो इसकी वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है पॉल्यूशन क्रिएट होता है। देन ओशन एसिडिफिकेशन, भाई लाइक ओशन में काफ़ी ज़्यादा CO2 जो है वो डिज़ोल्व है, कार्बोनिक एसिड जिसकी वजह से बनता है, CO2 एंड ओशन वाटर मिल के, सी वाटर मिल के कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो ओशन वाटर है वो उसमें पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं। लाइक आपका एसिडिफिकेशन जो है, एसिड जो है वो क्योंकि pH लेवल जो है वो कम कर देता है वाटर का। ठीक है, सो ओशन की एसिडिटी जो है अगर देखा जाए वो 30% तक चेंज हो गई है लास्ट 200 ईयर्स में। ठीक है, तो ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, लाइक आप जैसे कि पानी में जो है अनवांटेड चीज़ें जो है छोड़ देते हो, ठीक है, उसकी वजह से लाइक पॉल्यूटेंट कॉज होता है एंड ये सब होता है। ठीक है, देन वाटर पॉल्यूशन, लाइक हर साल 8 मिलियन टन्स ऑफ गार्बेज जो है वो ओशन में डंप किया जाता है। ये हमारा लाइक ये हम खुद भी करते हैं, आधा ह्यूमन बीइंग काफ़ी सारा गार्बेज जो है ओशन में डंप, राइट, जैसे कि हमारे रिलीजियस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, एंड एट द सेम टाइम लाइक इंडस्ट्रीज भी जो है वो डंप करती हैं। ठीक है, देन आप जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हो, वो भी जो है खेतों से पानी के साथ बह के जो है आपका वाटर बॉडीज में ही जाता है, राइट, रेन के थ्रू, फ्लड के थ्रू पहुँच ही जाता है। तो ये क्या है, लाइक जो लाइक इसकी वजह से जो है लाइक जैसे फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन है जिसकी वजह से आपके ओशन में जो है पॉल्यूटेंट कॉज होता है। ठीक है, देन डिफॉरेस्टेशन, ये जो ट्री काटिंग है, ओके, लाइक क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपको फूड मटेरियल ज़्यादा चाहिए, आपको शेल्टर ज़्यादा चाहिए, तो उसकी वजह से जो पेड़ हैं वो हर जगह के काटे जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ट्रीज़ क्या करते हैं गाइस, ट्रीज़ जो है वो हमारा उस CO2 का लाइक अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो अब ट्रीज जितने कम है CO2 अब्जॉर्ब करने वाला कोई बचा ही नहीं है, जिसकी वजह से CO2 का जो लेवल है वो बढ़ गया है। ठीक है, इवन देखा गया है कि भाई 18 मिलियन जो है एकर्स तक का जो ट्रीज हैं वो हर साल कट कर दिए जाते हैं। ठीक है, सो अब क्या है, जब ट्रीज काट दिए उसको बर्बाद कर दिया तो अब लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं, राइट। सो ट्रीज जो है क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ट्री क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन जो है वो छोड़ता है, राइट। तो ऑक्सीजन ऑफ कोर्स अच्छे होते हैं, गुड होते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो ना हमारे लिए अच्छे हैं ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। एंड ट्री कट डाउन कर रहे हो तो ट्री जो है वो कई सारे एनिमल्स का जो है, जो फॉरेस्ट हो गया वो घर होता है ना, हम लोग ने इतने सारे फॉरेस्ट कट डाउन कर दिए तो एनिमल्स के लिए क्या है, फॉरेस्ट ही तो उनका घर है, तो उनको उनका घर भी आपने छीन दिया। ठीक है, देन एसिड रेन, लाइक हम जो कोल बर्न करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे जो है हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है, ठीक है, जो कि ऊपर जाके नहीं, जो कि लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हुआ। नाउ अब जो है क्लाउड से जब हमारे बारिश हो रही है, ठीक है, या फिर जो नमी होती है हमारे एनवायरनमेंट में, वो क्या करती है, वो इन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ जो है मिक्स होती है, ठीक है, एंड वो क्या बनाती है, लाइक वो एसिड रेन जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब भी पानी नीचे गिरता है तो हवा में जो भी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो इस रेन के साथ मिलके जो है एसिड रेन फॉर्मेट कर देता है, ठीक है, जिसका पीएच लेवल ऑफ कोर्स गड़बड़ होता है, ओके, जिसकी वजह से अब ये एसिड रेन हो रहा है, ये जिन बिल्डिंग पे पड़ता है उनको डैमेज करता है, ये ट्रीज को जो है एसिडिक बनाता है, लीव्स को डैमेज करता है, ठीक है, एंड फॉरेस्ट एरिया भी इसने काफ़ी ज़्यादा किल किया है, ओके। देन एसिड रेन ऑफकोर्स अगर आपकी लाइक वाटर बॉडी में पड़ रहा है तो वो वाटर एनिमल्स के लिए जो है हार्मफुल है, ओके। देन ओजोन डिप्लेशन, गाइस अगर हम लोग ओजोन की बात करें तो ओजोन लेयर जो है वो आपको कहाँ मिलती है, वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, राइट। ओजोन लेयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लाइक आपके एटमॉस्फेयर में ऊपर समझ लो एक लेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो क्या करती है, जो स्पेस से जो है यूवी रेस जो हमारे पास आती है उनको हम तक पहुंचने से रोकता है ये ओजोन लेयर, क्योंकि यूवी रेस जो है ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि इससे आपको स्किन डिजीजेस, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। नाउ फिर बातें क्या देखा गया कि ऐसे कई सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आ गए, मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें थी लाइक HFCs, CFCs जिसमें आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका यूसेज जो है वो तुरंत बंद कराया गया जब इसके बारे में लोगों को पता चला कि इसकी वजह से जो है हमारा ओजोन लेयर वो खत्म होता जा रहा है, हम ये बोलेंगे वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अब वो कम होगा तो प्रॉब्लम तो हम ही को होगी, यूवी रेस जो है हम तक आएंगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक ओजोन होल बन गया, जिसकी वजह से एक होल बन गया हमारे लेयर में, तो उस होल से जो है कुछ यूवी रेस हम तक पहुंच रही है, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स हमारे लिए हार्मफुल है, इसीलिए इसका यूसेज जो है वो तुरंत बना लाइक बंद कराया गया था, ओके। इज इट क्लियर गाइस, आई होप कि क्लियर है सबको, है ना, राइट चलो अब हम लोग जो है इसमें जो है हम लोग अब दूसरी स्लाइड जो है वो कवर अप करेंगे, पीपल एंड एनवायरनमेंट की। जस्ट अ सेकेंड, मुझे लगा था कि ये पार्ट इनफ होगा, लेकिन ये पार्ट तो हमारा खत्म हो गया। मैं दूसरी स्लाइड ओपन करूँ फिर, ओके गाइस। तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हाँ, एंड आप लोग ये बताना आप लोग का घर में टाइम कैसे कट रहा है, या फिर कई सारे जो है वो कॉलेज वाले भी होंगे, जॉब वाले भी होंगे, सो आई होप कि ये जो लॉकडाउन है उसको आप लोग एकदम प्रोडक्टिव तरीके से जो है ले रहे होंगे, है ना। अली, आई एम फ्रॉम आगरा, ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज। इसमें हम लोग जितना पार्ट कवर अप कर लेंगे वो करेंगे, ठीक है, बाकी आप लोग जो है बाकी हम लोग किसी और सेशन में कर लेंगे। बोरिंग, ओके, प्रशांत एंड अली दोनों के लिए बोरिंग है गाइस, इसको आप ही लोगों को इंटरेस्टिंग बनाना है अपनी पढ़ाई से, ठीक है। सो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं लोकल, रीजनल, ग्लोबल, देन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। चलो पोल्यूशन के बारे में हम लोग एक एक करते हैं, ठीक है। तो बोरिंग नहीं, आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए, लाइक आप पढ़ाई कर सकते हो सबसे पहले, देन आप बोर हो रहे हो आप टीवी देख सकते हो, देन कोई मूवीज़ देख सकते हो। आजकल तो हमारे पास इतने ऑप्शन हैं, आप घर बैठे बैठे किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, इतने चैनल्स हैं, अमेजोन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, मूवीज़ देखो, क्योंकि पूरे टाइम में आप 24 घंटे ऑफकोर्स पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो। देन आपके घरों में जो है सब लोग हैं, घर में फैमिली मेम्बर्स, तो फिर आप लोग क्या करोगे उसके लिए, लाइक फैमिली मेम्बर्स हैं तो ऑफकोर्स आपका पढ़ाई में उतना मन भी नहीं लगेगा, तो यू हैव टू बी फोकस्ड। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो एंड साथ ही साथ मज़े भी करो, घर में अपना फैमिली टाइम जो है वो स्पेंड करो। ये सही है ना, सही है हाँ, वो कम से कम आपका अनअकैडमी के साथ टाइम तो स्पेंड हो रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा जरिया है आप लोगों का लाइक टाइम काटने का। आप हर बार जो है एक नए एजुकेटर से मिल सकते हो। आई होप कि आप लोग स्पेशल क्लासेस भी देखते होंगे, राइट। हर एक घंटे जो है आप लोग जो है लाइक वो कर सकते हो, एक नए आदमी से मिल सकते हो एजुकेटर्स के थ्रू। ओके, चलो देखते हैं हम लोग पॉल्यूशन ना। पॉल्यूशन क्या होता है? जब किसी तरह का जो कंटामिनेंट होता है, मतलब किसी तरह का अनवांटेड मैटर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो जाता है, एंड जिसकी वजह से एक एडवर्स चेंज होता है, उसके ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट होता है, उसको हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। पॉल्यूशन जो है वो किसी केमिकल सब्सटेंस, किसी एनर्जी का फॉर्म ले सकता है, लाइक नॉइज हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया। तो पॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, एनर्जी, अनवांटेड मैटर जो है जो नेचुरली अकर हो रहा है या फिर आर्टिफिशियली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्यादा प्राइस, मतलब रेट ज़्यादा है आपके हिसाब से, तो आप लोग वो देखो ना जिनके हिसाब से भाई रेट ज़्यादा है। अगर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर देन आप स्पेशल क्लासेस उसकी देख लो, ठीक है। सो मेन टाइप के पॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे? एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, लैंड सॉइल पॉल्यूशन हो गया, इसको आप बोलते हो, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया हमारा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो गया, थर्मल पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, मेराइन पॉल्यूशन, ओशन पॉल्यूशन, ठीक है। सो ये हमारे लाइक मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर पॉल्यूशन से। गाइस, वाटर पॉल्यूशन हमारा कहाँ कहाँ से होता है? लाइक ये एक तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन अगर हम लोग बात करें। एंड वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? लाइक जो हमारी वाटर बॉडीज होती है, लेक्स हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, सी हो गए, ओशंस हो गए, जब इनमें अनवांटेड मैटर कोई भी ऐड होता है तो उसकी वजह से हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। नाउ वाटर पॉल्यूशन जैसे कैसे होता है? मानो जब हमारी वाटर बॉडीज में आप बोल लो सीवेज जो है वो ऐड कर दिया जाता है, या फिर रनिंग वाटर जो अपने साथ लाइक काफी अनवांटेड मैटर लेके चलता है वो मेन वाटर बॉडीज में ऐड हो जाता है, देन उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। लाइक सीवेज हो गया हमारा, न्यूट्रिएंट्स हो गए लाइक आपका पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये पानी के साथ ऐड होके वाटर बॉडीज में चला गया। आपका केमिकल वेस्ट, मान लो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो अगर छोड़ा जाता है पानी में, देन रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, ये सब आपके वाटर को पोल्यूटेंट बनाता है। नाउ वाटर पोल्यूशन होता है, इसकी वजह से ऑफकोर्स वाटर बॉडीज को हार्म होता है, ऑर्गेनिजम्स काफ़ी सारे मर जाते हैं, लाइक आपके फिश हो गए, क्रैब्स हो गए, बर्ड हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, इन सबको हार्म पहुँचता है, ठीक है। नाउ इंक्रीज यूज ऑफ लाइक जो हम नॉन डिग्रेडेबल मटीरियल यूज करते हैं जो खत्म नहीं हो सकते, जिनका कोई एंड नहीं होता है, लाइक प्लास्टिक हो गया, इन ये लाइक सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे वाटर पोल्यूशन में, ठीक है। लाइक प्लास्टिक मटेरियल में आपके कैरी बैग्स हो गए, बॉटल्स हो गया, प्लास्टिक स्ट्रॉ हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये सब जो है चीज़ों को लाइक ड्रेन्स जो होते हैं इनको चोक कर देते हैं, ये एक्वाटिक लाइफ, मराइन लाइफ को जो है काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये बहुत मेन रीज़न है लाइक उनके हार्म का। नाउ यहाँ पे क्या है? द इंक्रीज लेवल ऑफ कंटेमिनेशन इन वाटर and exploiting existing natural resources has resulted in water crisis in many urban areas, ठीक है। इसकी वजह से वाटर क्राइसिस हुआ है भाई। वाटर में जब इतने सारे अनवांटेड मटेरियल ऐड हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स एक क्लीन वाटर की कमी तो हो ही जाएगी ना। तो ड्रिंकिंग वाटर की जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। अगर हम ऐसे देखें परसेंटेज के हिसाब से तो आप ये बोलोगे कि 70% ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है वो फुल ऑफ वाटर होता है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर वो नहीं होता है, ठीक है। कंटामिनेशन जो है वो उनमें बहुत हाई होता है, या फिर कई सारे जो वाटर हैं वो अनफिट होते हैं ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि इनमें टॉक्सिक कंटामिनेंट्स जो हैं वो ऐड होते हैं। ओके, सो कई सारे लाइक रीजंस होते हैं, कई टाइप के जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होते हैं जिनकी वजह से लाइक पॉल्यूशन होता है। लाइक लैंड डिग्रेडेशन हो गया, वाटर डिग्रेडेशन हो गया, एयर डिग्रेडेशन हो गया। ओके, कॉमन सोर्सेज क्या है वाटर पोल्यूशन के? लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स सबसे पहले देखा जाए ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्टिविटीज ही है मेन सोर्स। लाइक हम इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वाटर में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, टॉक्सिक वेस्ट हैं वो वाटर में ऐड हो जाते हैं। देन जो हमारा अनट्रीटेड सीवेज होता है, जो लाइक हाउस होल्ड सीवेज होता है वो रिवर में छोड़ा जाता है। देन पॉल्यूटेड एंड कंटेमिनेटेड वाटर जो है फ्रॉम हाउसेज आता है, जैसे कि आपकी कुछ भी आप वॉश बेसिन में पानी हाथ धो रहे हो तो वो भी तो गंदा ही पानी है, वो कहीं ना कहीं जाएगा। देन आपका प्लास्टिक मटेरियल जैसे कि हो गया, ये भी आपके वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं साथ में, ठीक है। सो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वाटर बॉडी का वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, एंड वो हमारी एक्वाटिक लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एंड एसिड रेन भी ऑफकोर्स एक फैक्टर है हमारे वाटर बॉडीज को पल्यूट करने का, ओके। नाउ एसिड रेन क्या है, लाइक एसिड रेन में क्या होता है, जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बना देता है, देन ये एसिड जो है पानी के साथ, रेन के साथ मतलब नीचे आता है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन का जो पीएच लेवल होता है वो 3 से 6 के बीच में होता है। एंड एसिड रेन में क्या होता है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड वीक कार्बोनिक एसिड, ये तीनों चीजें पाई जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ एसिड रेन के एडवर्स इफेक्ट क्या है, लाइक आपको इससे रेस्पिरेटरी या स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। देन ये आपकी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है लीव्स को डैमेज करके, ये आपके सॉइल में एंटर कर जाता है एंड उसके पीएच को जो है इफेक्ट करता है। देन ये आपके ग्राउंड एंड रिवर में जो है एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से ये आपको लाइक एक्वाटिक लाइफ को हार्म करता है। देन ये मार्बल्स को भी डैमेज करता है, देन मॉन्यूमेंट्स को भी डैमेज करता है, लाइक ताजमहल हो गया, इसके लिए जहाँ जिन बिल्डिंग्स पे गिरता है ना ये उनको भी हार्म पहुंचाता है, लाइक मार्बल्स हो गया जैसे, ठीक है। देन डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है, लाइक डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन बताता है आपका, ये एक मेजर है, रिलेटिव मेजर, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके पानी में कितना ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व है, ठीक है। सो ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कैसे डिफ्यूज हो जाता है, एटमॉस्फेयर से, लाइक एरेशन से, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बस आप ये ध्यान रखो कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है। देन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, दैट इज BOD। ये हमारा क्या है, एक वेस्ट वाटर इंडिकेटर है, ये हमारा एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिससे हम रिलेटिव, जिससे क्या मेजर होता है, रिलेटिव ऑक्सीजन डिप्लीशन इफेक्ट और वेस्ट कंटामिनेंट, ठीक है। देन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, इसमें ये हमारा क्या है, इंडिकेटिव मेजर है ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी कंज्यूम बाय रिएक्शन इन अ मेजर्ड सॉल्यूशन, ओके, कि आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कोई भी जो है रिएक्शन जो है वो आपका कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है, ये आपको वो बताता है, ओके। देन ये तो हो गया हमारा वाटर पॉल्यूशन। अब बात करेंगे हम लोग एयर पॉल्यूशन की, यानी एयर पॉल्यूशन कहते कहते होता है, ये भी हमारा ऑफ कोर्स जैसे कि वो एक एनवायरनमेंट, वाटर पोल्यूशन एक मेन एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, वैसे ही हमारा सेम एयर पोल्यूशन के साथ है, एक बहुत ही बड़ा लाइक मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है आज की डेट में, ठीक है। लाइक ये हमारे क्या कर रहा है, लाइक पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए आपके, छोटे छोटे लाइक पार्टिकुलेट मैटर जो बहुत ही छोटे होते हैं, धूल मिट्टी टाइम, एंड जो आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये जब डंप करे जाते हैं आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तब सबसे ज़्यादा डैमेजिंग लाइक इफेक्ट होता है हमारे एयर पोल्यूशन से, ठीक है। लाइक इससे हमें डिजीजेस हो सकती है, एलर्जीज हो सकती है, प्री मेच्योर डेथ होता है ऑफ कोर्स। आपने देखा है दिल्ली में कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। देन एयर पोल्यूशन की वजह से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक एनिमल्स हो गए, फूड क्रॉप्स हो गया, उनको हार्म पहुँचता है। एनिमल्स को तो हार्म पहुँचा, हमें भी हार्म पहुँचा, एट द सेम टाइम लाइक जो हम खाएंगे, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो भी लाइक ईटेबल फॉर्म में नहीं रहते, ठीक है। लाइक देन क्या है, पॉल्यूशन ऑफ एयर, लाइक स्मोक की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, डेंजरस गैसेस की वजह से हो रहा है, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, लाइक गैसेस, फ्यूम्स जो है हमारे व्हीकल से रिलीज हो रही है, नेचुरल गैस हो गया, हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं उनकी वजह से हो गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, रेडिएशन स्पिल्स होता है, देन प्लास्टिक प्रोडक्शन से, इन सब से क्या होता है, इन सब से जो है पोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इन सबको लाइक हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग एक एक्सटर्नल पोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ये एयर में होता है। लेकिन आज के डेट में पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये हमारे घरों के अंदर भी मिलता है, तो जो आपको अंदर मिलता है वो आपको क्या, आप क्या बोलते हो उसको, होम के अंदर भी लाइक पोल्यूशन आपको मिलता है, उसको हम लोग इंडोर एयर पोल्यूशन मिलते बोलते हैं, जिसके चलते आजकल आपने देखा होगा एयर प्योरीफायर्स भी आते हैं, राइट, है ना। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग ये सारे इश्यूज जो हैं हमारे एयर पोल्यूशन में ही आते हैं। ये सब क्यों होते हैं? फॉसिल फ्यूल बर्न करने की वजह से, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैसेस के यूज से, क्योंकि इनसे क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड जो है, ये हैवी मेटल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। ठीक है, नाउ आउट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है वो हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल वार्मिंग में। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट मतलब जो ये वो पोल्यूटेंट है जो आपके एनवायरनमेंट में डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, लाइक आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? जब प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है ये किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर आते, उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं स्मॉक का, स्मोक एंड फॉग मिलके स्मॉग बनाते हैं, राइट। स्मोक में क्या होता है? हमारे कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, फॉग में क्या होते हैं? हमारे वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं? मिलके जो है ये लोग आपस में स्मॉग बनाते हैं। ठीक है, एंड सेम वे में इससे ड्रेन भी फॉर्म होता है, मैंने आपको उसका तरीका बताया था, राइट। ना इफेक्ट क्या है आपके एयर पोल्यूशन के? लाइक फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, आपका फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो बनता है, जो कि स्मोक और फॉग मैंने अभी बताया। देन आपका ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। एरोसॉल का फॉर्मेशन होता है। एरोसॉल क्या होता है? लाइक ये कैसे फॉर्म होता है? जो हमारे सॉलिड एंड लिक्विड मैटर होते हैं ना, जब ये डिस्पर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, देन हमारा एरोसॉल फॉर्म होता है। ठीक है, देन नेचुरल एरोसॉल्स भी मिलते हैं हमारे लाइक एटमॉस्फेयर में। लाइक एरोसॉल्स कैसे बनते हैं? लाइक पॉल्यूटेंट पार्टिकुलेट मैटर से, लाइक कार्बन पार्टिकल से बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एरोसॉल क्या करता है? ट्रोपोस्फेयर में एक थिक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जो सोलर रेडिएशंस होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। ओके, देन इंडोर एयर पोल्यूशन हो गया। लाइक आपका फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ऑफ एयर इनसाइड होम, इंस्टीट्यूशन, सेंटर, किसी भी बंद जगह में। ठीक है, जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में जो है आपको इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है डेवलप्ड कंट्रीज में वेंटिलेशन जो है वो अच्छा नहीं होता, होम जो है वो स्टेराइल हो जाते हैं, होम जो है वो बंद रहते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आपको बंद कमरे में हमेशा पोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो गाइज इसी के साथ अब और आगे हम लोग लाइक वो नहीं करेंगे पार्ट। ओके, इसी के साथ हम लोग अब अपना सेशन जो है वो एंड करेंगे। ओके, जाने से पहले मैं फिर से एक बार बोलूँगी गाइज, जो लोग भी नए हैं यहाँ पे, मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है, एक टेलीग्राम चैनल है, दोनों सेम नेम से है, जिसका नाम है सिस्टर्स अकेडमी। उसको आप फॉलो ज़रूर करना। टेलीग्राम, यूट्यूब सेम नेम, सिस्टर्स अकेडमी। देन इनके अलावा मेरे अभी 3 ऑनगोइंग प्लस कोर्सेज चल रहे हैं, 2 ये तो मेरा खत्म हो गया है, बैच कोर्स फॉर मैनेजमेंट, अभी चल रहा है पेपर 1 और मैनेजमेंट। ठीक है, एंड डेली बेसिस पे कोई ना कोई स्पेशल क्लास होती है, रोज 1 या 2 स्पेशल क्लासेस जरूर होती है, उसको आप जरूर लाइक स्पेशल क्लास की लिस्ट में जाके देखना। एंड इसके अलावा 2-3 प्लस कोर्सेज और नेक्स्ट मंथ जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, सो वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, नाउ इसके अलावा हम लोग बात करेंगे लाइक अगर आप लोग लाइक क्लास कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो, देन गो फॉर इट गाइस। अपने ये जो लॉकडाउन के डेज हैं उनको बेस्ट वे में आप यूटिलाइज कर सकते हो। एंड अगर आप लोग अभी भी श्योर नहीं, देन आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हो। एंड यूज़ माई रेफरल कोड, इसको आप नोट डाउन कर लो अपने पास, विच इज़ सौम्या सिंह लाइव। ठीक है, ये आप जो है नोट डाउन करो, सौम्या सिंह लाइव, एंड इससे आपको जाएगा अपने क्लास कोर्स के सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि खुद में एक अच्छा खासा डिस्काउंट है। एंड 10% का डिस्काउंट आप क्रेडिट पॉइंट्स के थ्रू भी ले सकते हो, जो आपकी प्रोफाइल में होते हैं। ठीक है, सो गाइज इसी के साथ अब हम लोग सेशन एंड करेंगे। अश्वनी लास्ट स्लाइड के लिए बोल रही है, मैं लास्ट स्लाइड तो ये है हमारी अश्वनी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके ओके, तो इसी के साथ हम लोग एंड करेंगे गाइस। कल भी हमारा सेम टाइम पे एक यूट्यूब सेशन होगा 3 बजे, सो प्लीज़ बी देयर। मुझे टॉपिक तो ध्यान नहीं है, लेकिन हमारा सेशन ज़रूर होगा। ओके, चलो, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल नेम है सिस्टर्स, SISTERS, सिस्टर्स अकेडमी। ओके, अकेडमी। चलो, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।